हेलो एवरीवन, आई एम अलीजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल अलीजाज एक्सप्लेनेशन पर। तो एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है मिस्टर निंग की माँ और ज्यूलिंग बैठकर बातें कर रही होती हैं। मिस्टर निंग की माँ कहती है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करना चाहती और जो एंगेजमेंट हो चुकी है उसे तुम्हें तोड़ना होगा। तो हमारी ज्यूलिंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं तोड़ सकती। तो मिस्टर निंग की माँ कहती है, नहीं तुम तोड़ दो। तो ज्यूलिंग कहती है, मैं एंगेजमेंट तोड़ने पर 2000 टेल्स लूंगी, टेल्स यानी उधर के पैसे। तो मिस्टर निंग की माँ कहती है, नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। तो उत्ते में हमारी ज्यूलिंग कहती है, नहीं अब तो मैं और ज़्यादा पैसे लूंगी। तो वो कहती है, अब मैं 5000 टेल्स लूंगी। तो मिस्टर निंग की माँ हाँ कर देती। तो उनकी बेटी आकर उन्हें मना करने लगती है, नहीं उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो। तो मिस्टर निंग की माँ कहती है, मैं उसे पैसे दिए बिना जाने नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे भाई की इज्जत पर उंगली उठे। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पैसे देने ही होंगे इज्जत के लिए। फिर उतनी ही देर में उनके घर की नौकर पैसे लेकर आती है, तभी उसकी बेटी उससे पैसे छीन लेती है और कहती है, मैं उसे पैसे देकर आती हूँ। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती है। तभी हमें ज्यूलिंग का सीन दिखाया जाता है, वहाँ मिस्टर निंग की बहन आकर कहती है, ये लो 5000 टेल्स जो तुमने मांगे थे। तो ज्यूलिंग कहती है, अगर ये पैसे तुमने ज़मीन पर फेंके तो मैं और 5000 टेल्स लूँगी। तभी उसकी बहन शांत हो जाती है और पैसे टेबल पर रख कर चली जाती। तभी हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग और ल्यूयर बातें कर रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग की नानी उससे कहती है, तुमने ये एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। तो ज्यूलिंग कहती है, वो खुद ही अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहती थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ज्यूलिंग की नानी उसे जिनजिन की माँ का ब्रेसलेट देती है और कहती है, अब तुम ये अपने पास में रखो। तो ज्यूलिंग कहती है, नहीं नानी आप ये अपने पास ही रखे। तो उसकी नानी कहती है, ये तुम्हारे हाथों पर अच्छा लगेगा, इसे तुम ही रखो। फिर वो उसे ब्रेसलेट पहना देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक कमांडर जिसका नाम है जुजान और वो जंग पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके माता पिता उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, मेरी चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं पहले भी पापा के साथ जंग पर जाया करता था। तो उसका पिता उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक कमांडर भेज दूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। फिर उसकी माँ उसे एक चीज़ देती है और कहती है, ये लो ज्यूलिंग के पिता ने ये दिया था और उसकी और तुम्हारे शादी करने के बारे में कहा था। और वो कहता है, माँ और पापा मैं जा रहा हूँ, और वो उनके सामने सजदा करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जुजांग अपनी कमांडर टीम के साथ एक होटल में जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जुजांग और बताओंग दोनों होटल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो लोग जो खाना ऑर्डर करते हैं एक वेटर उसे लेकर आता है और वो डिश के नीचे एक चिट रखकर चला जाता है। जब बताओंग वो चिट उठाकर देखता है उस पर लिखा होता है कि ज्यूलिंग की मौत हो चुकी है। तो जुजांग बताओंग से पूछता है कि उस पर क्या लिखा है। तो बताओंग उसे बता देता है कि उस पर ज्यूलिंग की मौत का लिखा है। वो सुनकर हीरो बहुत ही हो जाता है और वो बाहर आकर रोने लगता है बैठकर। तभी बताओंग उसे बताता है कि जब ज्यूलिंग की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके मास्टर और उनकी बेटी जुन जनजन ने उसे अपने घर पर लेके चले गए थे और अभी मास्टर तो लापता है और उनकी बेटी जुन जनजन अभी जेजाओ शहर में है। तो जुजान कहता है, हमें अभी के अभी जेजाओ शहर में जाना चाहिए और जनजन से इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। तो वो लोग उधर से निकल कर भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है छू रेंग अपने एक नौकर से पूछता है, तुमने जुजान और बताओंग को भागने कैसे दिया। तो वो नौकर कहता है, माफ कर दीजिए मेरे से गलती से ऐसा हो गया, मैं भागने नहीं देना चाहता था पर गलती से वो लोग भाग। फिर हमें दिखाया जाता है छू रेंग लू यूनकी से पूछता है, तुम मेरी बेटी प्रिंसेस ज्यूली के बारे में क्या सोचते हो। तो लू यूनकी कहता है, वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा सुंदर औरत है। तो छू रेंग उससे कहता है, तुम मेरी बेटी प्रिंसेस ज्यूली से शादी कर लो। तो लू यूनकी कहता है, ठीक है मैं उससे शादी कर लूंगा, जिस दिन प्रिंसेस ज्यूलिंग की मौत हुई थी उसी दिन मैं प्रिंसेस ज्यूली से शादी कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि लू यूनकी प्रिंसेस ज्यूलिंग के कब्र पर जाता है और कहने लगता है कि माफ कर दो, मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचा पाया। फिर वो अपना पास्ट याद करके बोलने लगता है और वो थोड़ी देर तक वही कब्र पर खड़े रोता रहता है और
वो अपने आप में ही बातें करते रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जुजांग और बतोंग दोनों भाग कर आ जाते हैं फेंग फैमिली के मेंशन के बाहर और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर एक आदमी बाहर आता है और पूछता है क्या काम है तुम लोगों को, तो कहते हैं हमें जुन जिनजिन से बातें करनी है। तो वो नौकर जाके प्रिंसेस ज्यूलिंग को बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है बाहर। तो फिर ल्यूयर उत्ते में कहती है नहीं हमारी रानी किसी से भी नहीं मिलेगी। तो उत्ते में प्रिंसेस ज्यूलिंग कहती है नहीं हम देख लेते हैं चलकर के कौन मिलने आया है। तो वो लोग जब तक बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर कोई नहीं रहता है। फिर से जुजान और बतोंग वापस आते हैं और घर के बाहर खटखटा कर दरवाजा कहते हैं हमें जुन जेंजेन से बात करनी है। तो वो नौकर उन्हें चिल्ला कर भगा देता है और कहता है कि अभी तो आई थी तो तुम लोग चले गए थे, ऐसा कहकर वो चिल्ला कर उन्हें भगा देता है उधर से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग और ल्यूयर दोनों कहीं घूमने जा रही होती हैं अपनी साधन से और फिर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वो लोग उतर कर चलने लगते। फिर वो दोनों बातें करती जा रही होती हैं तभी ल्यूयर कुछ सामान लाने वापस पीछे चली जाती हैं और फिर जब ज्यूलिंग खड़ी होती है तभी उनके पास बतोंग आता है और उनका हाथ पकड़ के परेशान करने लग जाता है। फिर उधर पर जुजांग की एंट्री होती है और वो आकर मार कर बतोंग को भगा देता है और वो और ज्यूलिंग दोनों साथ में होटल में बैठकर बातें करने लगते हैं। ज्यूलिंग जुजांग से कहती है थैंक यू तुमने मेरी मदद की और उसे मार कर भगा दिया। जुजांग ज्यूलिंग से कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। तो फिर ज्यूलिंग पूछती है तुम कौन हो तुम्हारा नाम बताओ। तो सुजान कहता है मेरा नाम है लिंग जियू। फिर ज्यूलिंग को अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो खेला करते थे और बातें किया करते थे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ज्यूलिंग बैठकर अपना पास्ट याद करके रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा होता है और वो ज्यूलिंग से पूछता है क्या तुम जुन जिनजिन हो मेरी कजिन। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।